साई पालकी परिवार एवं साई भक्त साई सेवक परिवार विदर्भ की ओर से 13वां साई पालकी महोत्सव 5 मार्च को वर्धा रोड स्थित साई मंदिर के पीछे राम मंदिर परिसर विवेकानंद नगर में आयोजन किया गया है। साई भक्त साई सेवक परिवार के राजीव जायसवाल एवं साई पालकी परिवार के पंकज महाजन ने आयोजन के संबंध में पत्र परिचय में उक्त जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 5 मार्च को यह भव्य आयोजन किया गया है। इस दौरान साई बाबा की पादुका व उनके वस्त्र दर्शनार्थ रखे जाएंगे। कार्यक्रम स्थल पर पादुका का अभिषेक भी किया जाएगा। दर वर्ष आम्ही एक रामनवमी उत्सवाच्या निमित्त गेल्या 13 वर्षापासून नागपूर ते शिर्डी पालखी पदयात्रा व रथयात्रा आयोजित करतो। विदर्भातली एकमेव मानाची पालखी व ISO सर्टिफाईड अशी पालखी ज्याला ISO सर्टिफाईड मिळाला मानांकित पालखी आणि हजारो युवकांचा यात सहभाग असतो, तरुण युवकांचा सहभाग असतो। भक्तीसोबत सेवा म्हणजे समाजकार्य हे सुद्धा आमचं एक त्याच्यात एक संकल्पना आहे। दरवर्षी आम्ही वृक्षारोपण, बेटी बचाओ बेटी पढाओ, त्याच्यानंतर बरेच सामाजिक उपक्रम घेऊन आम्ही दरवर्षी पालखी साजरी करत असतो। त्या दिवशी म्हणजे आम्ही एक 1100 किलो साबुदाण्याची खिचडी वितरित करतोय। आपल्या नागपूरचे सुप्रसिद्ध शेफ श्री विष्णू मनोहर यांचा आता काही म्हणजे गेल्या वर्षी त्यांनी फरवरी महिन्यातच 3000 किलो खिचडीचा वर्ल्ड रेकॉर्ड केला होता। दोपहर 12 बजे मध्यान्ह आरती होगी व शेफ विष्णू मनोहर द्वारा बनाई गई 1100 किलो साबुदाना की खिचड़ी साई बाबा को नैवेद्य के रूप में अर्पण करने के बाद उसका वितरण किया जाएगा। दोपहर 12:30 बजे नरेंद्र नासिर कर द्वारा तूज गजानन तूज साई इस संगीत में कार्यक्रम की प्रस्तुति की जाएगी। दोपहर 2:30 बजे सुरेंद्र डोंगरी के सूफी भजन व कपाली का आयोजन किया गया है। शाम 6 बजे धूप आरती होगी। शाम 7 बजे से साई सच्चरित्र आधारित महानाट्य दरबार साई का आयोजन किया गया है। बबलू तुक्कल व उनकी टीम के 50 कलाकारों पुणे का इसमें सहयोग होगा। रात 10:30 बजे शेजारती की जाएगी। यह पालकी यात्रा विविध मार्गों से होती हुई 1 अप्रैल को शिर्डी पहुंचेगी। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबराखड़े के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।